हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो भाई आज है 5th of September। मेरे को यहाँ पे इटली में आए हुए मेरे को फिक्स 4 महीने हो गए कि आज मेरा 5वां महीना। आज मेरा क्या कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लौंडा। आज भाई 5th month स्टार्ट हो गया है और आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ, 12 साल जाने बाद आज फिर से स्कूल बोलने का मौका मिल रहा है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8 AM और मेरी स्कूल स्टार्ट होगी भाई 9:30 से। और इसको करता हूँ, अभी जस्ट उठा ही हूँ मैं, तो अभी मैं दूध गर्म करता हूँ और फिर फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, इतना दूध ठंडा हो जाएगा और फिर दूध पी के और स्कूल के लिए निकल देंगे भाई। ठीक है, आज का ये शेड्यूल है और आज मेरा अपॉइंटमेंट भी है 12 बजे का यहाँ पे, घर के पास में ही है, तो क्लास जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो ठीक है। मेरे को बोला था कि 11:30 AM तक चलेगी क्लास, बट अगर एक्सटेंड होती है भाई 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, तो भाई मैं पहले ही आ जाऊँगा क्योंकि अपॉइंटमेंट भी भाई ज़रूरी है। तो पहले दिन ही भाई क्लास बंक हो जाएगी, आज मजे आएंगे और कुछ प्रोडक्टिव करूँगा मैं यहाँ पे आने के बाद। ओके देखो भाई, ये बच्ची भी स्कूल जा रही है। दूध गर्म करने के लिए छोड़ दिया और अब जाता हूँ। ये देखो भाई साहब, गर्म पानी से नहाने का नतीजा। नहीं नहीं नहीं, ये लिखता हूँ। ठीक है, ये कर लो। काफी टाइम लगा दिया भाई मैंने नहाने में, 8:50 हो गए। आज लेट होगा मैं पहले दिन। अब ये और दिक्कत आ रही है, पहन के क्या जाऊँगा आज मैं? आज भाई ये आउटफिट पहन के जाता हूँ, बढ़िया टी शर्ट और जैकेट डेनिम और नीचे न्यू जीन्स। अभी भाई ये पोलैंड वियर से लेके आया था मैं, तगड़ी लग रही है ना। आज फेवरेट कलर ब्लैक ही पहन के जाऊँगा मैं। पर जल्दी से बैग सेट कर लेता हूँ। बैग कहाँ है मेरा? बैग कहाँ गया? अच्छा इसमें है। भाई नोटबुक डाल ली और फाइल डाल ली जिसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट है, तो डायरेक्ट जाऊंगा मैं। और टिश्यू पेपर है और पेन डाल लिया और मास्क ले लिया। दूध तो भाई ठंडा नहीं, चिल्ड हो गया। 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल है मेरी और 9 बज गए, 5 मिनट हो गए ऑलरेडी। मैं सब मरूंगा भाई, ये वीडियो देखने के बाद पापा सूद देंगे मेरे को। जल्दी तो करता नहीं कुछ काम, हमेशा लेट ही लेट करता है। दूध पीने के बाद सुसोर आने लग गई भाई, वहां पे वॉशरूम जाऊंगा जाते ही। समस्या ही समस्या रे देवा। सही बात है। निकल मेरे धन्नो बाहर जल्दी से। आई जस्ट रियलाइज साइकिल निकालती बाहर कि मैं मेरा वॉलेट भूल गया, मेरे को फोटो कॉपी करानी है, चोट हो जाएगी भाई। ये खड़ी मैं साइकिल, यहाँ पे जस्ट ऊपर ही आया था मैं। 9:15 हो गए और आई हैव टू रीच विद इन 15 मिनट्स। रेड लाइट मिलेंगे ना भाई, मैं तोड़ने वाला हूँ पक्का। ये देखो भाई घंटा की फौज है। ये देखो भाई साहब मस्त है। अभी मैं डायरेक्ट जाके स्कूल में शूट करूँगा, अब जल्दी से पहुँचते हैं। अभी पहुँच गया भाई गेट पे, 9:33 हो गए, अभी खुलाता हूँ गेट। गेट खोलो भाई, 001। गेट खोलेंगे नहीं खोलेंगे? 9:33 हो गए, खुल गया गेट, खुल गया, थैंक गॉड। अरे ताऊ यो तो खोल। 5 minutes later. Buongiorno, ricorso di italiano? Yeah, sì. E ancora, cioè, devi iscriverti e cose del genere, non c'è ancora nessuno. Non c'è ancora nessuno. Somebody is outside.
Intanto vai su, c'è qualcun altro che ti aspetta, lì mettere, aspetti lì sul corridoio che arrivi. Cosa mi sono io? Classmente niente che Ciao. Ciao. Good morning, ma'am. Come? Vabbè, jaldi bol, kal sube panvel nikalna hai. Non parli italiano, ma'am. Non parli niente? No. No, no. Ma sei già venuto? Sei stato qui ancora? No. Di qua. Permesso? Questo giovanotto sì? Non spicca una parola. Non spicca una parola e quindi noi gli dobbiamo dare la parola. Ecco, però è già iscritto, voglio dire. È già iscritto, ok. Dov'è? Ok, ok. Ciao. Ciao. Siedi là. Non spicchi una parola. Oh no? È muto. I'm English. I'm English. Rispondi tu in inglese. Rispondi. Rompere. 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 La signora Annunziata che ti ha detto vai con Giuliana, lei non sa che tu parli. Sì. Ma a leggere, no? Sì, gli ho detto. Ah, gliel'hai detto, gliel'ho detto, capito? Quello è il problema. Sì. Perché lei parla. Sì, amo, siete. Finally, my class complete ho gayi aur आके भाई भयंकर जलने लगे, भयंकर। आधा समझ में आया, आधा नहीं आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इंग्लिश से इटालियन ट्रांसलेट करे तो सही है। अभी इटालियन इटालियन बोल रहा भाई, बंदे को इंग्लिश नहीं आती, टीचर को जो प्रोफेसर इंग्लिश नहीं आती। मेरे को ऐसे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। मैं देखा कि इंग्लिश से इटालियन में ट्रांसलेट करेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, बट ही डोंट नो इवन इंग्लिश मैन। ये तो मेरे लिए टास्क होने वाला है। अभी जल्दी से पहुंचता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है 12 बजे का। 11:40 हो चुके हैं, अब 20 मिनट में मेरे को मेरे घर के पास में जहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है वहाँ पहुँचना है, तो जल्दी से जाता हूँ मैं। मैंने क्लास 11:30 से छोड़ दी और अभी क्लास चल रही है, लेकिन मेरे को अपॉइंटमेंट है तो भाई तो मेरे को वहाँ पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा। टीचर ने कुछ नाटक नहीं किया ज़्यादा, मैंने बोला कि मेरा अपॉइंटमेंट है तो ठीक है, बोले चल जा। चिल एकदम चिल टीचर थे भाई। अब मैं उन्होंने बोला कि अब फ्राइडे को आना 9:30 बजे, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे तो लगेगी क्लास, आज वेडनेसडे है, अब फ्राइडे को जाना है। भगवान की दया से सारी ग्रीन लाइट मिल रही है, आते भी ग्रीन मिल रही थी, अभी भी ग्रीन मिल रही है। नहीं मिल रही तो हम ग्रीन कर दे रहे हैं, मतलब रेड लाइट तोड़ दे रहे हैं। भाग, देखो कितनी दूर भागता है। देखो अभी ग्रीन है, ये भी मैं पूछो अब तक रेड नहीं हो जाएगी। एंड में बताऊँगा मैं सारा जो भी अपॉइंटमेंट किस चीज़ का है बेसिकली। स्कूटी की और गाड़ी की बहुत भयंकर याद आ रही है। काश यहाँ पे मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस रहता तो भाई बल्ले बल्ले हो जाते, टाइम पे सारे काम हो जाते। लेकिन फिर भी रेड लाइट तोड़ के एक आध मैं पहुंच गया। 11:52 हो रहे हैं, 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। अभी मेरे को फोटोकॉपी करानी है पासपोर्ट की। वो आ गए अंकल, क्योंकि भाई मेरे को तो इटालियन आती नहीं, अब यही करवाएंगे सारा काम, इनको इटालियन आती। अंकल को तो मैं वहीं रोक दिया, मैं बोला कि मैं करा के लाता हूँ, बोल दूँगा ओन नो फोटोकॉपी, समझ जाएगी। और तो क्या है, रामायण बोलनी उसने। जी मेल पर पासपोर्ट की फ़ोटो सेंड कर दूँगा। Quanto costa? 30 centesimi. 30 centesimi. इस बिल्डिंग में अपॉइंटमेंट। ये बैठे अंकल, भाई यहाँ का भी काम हो गया।
तो अब अगर भाई मैं बात करूं कि बेसिकली अपॉइंटमेंट किस चीज़ का था, तो ये अपॉइंटमेंट था तेसेरिया सैनिटारिया बनवाने के लिए। तेसेरिया सैनिटारिया एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के अंदर कवर क्या क्या होता है, तो बेसिकली मेरे को चॉइस दी गई थी, मेरे को 5 डॉक्टर के नाम दिए गए थे कि ये आपके एरिया में ये डॉक्टर है, तो मेरे को उनमें से एक डॉक्टर चूज़ करना था मेरे को। और अब उस डॉक्टर को चूज़ करने से हुआ क्या, अगर इन फ्यूचर जब भी मैं बीमार होऊंगा मैं उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाऊंगा और मेरी कोई भी फीस नहीं लगेगी, सिर्फ वो जो मेडिसिन लिखेगा ठीक है जो है रुपए मेरे को देने होंगे मेडिसिन के, बाकी जो डॉक्टर की फीस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर इन केस मैं ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ और एडमिट हो जाऊँगा तो उस केस में मेरा एक भी रुपया नहीं लगेगा, उसमें मेडिसिन भी कवर हो जाएगी, मतलब ना मेरे मेडिसिन के लगेंगे ना मेरे जो भी एक्सरे वगैरह जो भी मतलब सीन होगा आगे ना भी अमाउंट लगने की गुंजाइश होगी वो गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली अभी मेरा ये कार्ड बना है 1 साल के लिए, लेकिन आने वाले एक साल के बाद में मेरा कार्ड बनेगा सुजोर्नो के हिसाब से। सुजोर्नो वर्क परमिट होता है, जितना टाइम का मेरा वर्क परमिट बनेगा उस हिसाब से मेरा ये जो है तेसेरिया सैनिटारिया बनेगा। इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो को एंड, और इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट डाउन ऑल्सो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैटरडे को। टिल देन बाय बाय।